है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, मैं क्यूरियस हूँ। जैसे जितना आप सोशल मीडिया को आजकल समझ रहे हैं, जितना आप उसको, आप उतने से टेक्निकली उसको समझ पाते हैं, आर्टिस्ट की लाइफ में या ऐसे क्रिएटिव फील्ड की लाइफ में एक अच्छे पार्टनर का होना या एक अच्छे ऐसे पर्सन का होना जो आपको सपोर्ट कर सके, ये सब कितना जरूरी है? और आपकी लाइफ में आपकी वाइफ का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है सर? अदृश्य हो सकते हैं या फिर आप उड़ सकते हैं, दो आप सिलेक्ट करना चाहेंगे? हेलो अदृश्य होना चाहूंगा। सर, कैसे हैं आप? हाँ, आई एम गुड, आपको बहुत अच्छा हूँ, और थैंक्स। आपको सर धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। हाँ आपको और आपके दर्शकों को, हमारे इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, सभी को मेरा धनतेरस और दिवाली के, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे पहलिया मत बुझाने के लिए बोलो प्लीज, क्योंकि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ भाई, अब इतना मेमोरी कहाँ स्ट्रांग है। बस आपका चेहरा मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, मैं नई आपको दिल्ली में शायद मुलाकात हुई हमारे कहीं इवेंट में, बाकी उतने डिटेल में जा नहीं पाऊंगा, बट इतना जानता हूँ कि आपका चेहरा से मुझे हमेशा याद आता है, कि शायद आपके साथ फोटोग्राफ भी मैंने लिया होगा, तो डिटेल में नहीं कह पाऊंगा, बट डेफिनेटली आपका चेहरा ऐसा लगता है कि क्योंकि हम आप कहीं। आज लाइव करके ना सर, मेरे मेरी वो याद ताजा हो गई कि मैं सर से पहली बार मिला था, और उस वक्त मतलब सर ऐसा था माहौल कि हम लोनावला में मैं आया हुआ था और आप वहां पे गेस्ट थे, और 2017 की ये बात है, और वहां पे सारे लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, और मुझे ये देख के डर लग रहा था कि मैं सर से ऑटोग्राफ कैसे मांगूं। तो ये था हमारा पहला मुलाकात, और वो सर एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आर्टिस्ट की लाइफ कितनी बड़ी होती है, या फिर आपको देख के एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें भी कुछ ऐसा करना है, या इस तरीके से हमें भी कुछ आगे चल के काम करना है। तो सर वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था आपसे मिलना मेरी लाइफ का। हाँ, थैंक यू। यस, अभी आपने हमारा वो जो कहते हैं ना, वो मेमोरी को आपने ताजा किया। हाँ, मैं डेनमार्क जा रहा था, डेनमार्क में मेरा 1 महीना के लिए मेरा वर्कशॉप, वर्कशॉप नहीं था, एक गैलरी के साथ टाई अप था, वहां पे मुझे काम करनी थी। तो ऑन द वे में मुंबई में लोनावाला होते हुए मुझे मुंबई होते हुए जाना था कोपेनहेगन, तो मुझे अभी याद आ रहा है। सो यस, थैंक यू वेरी मच, और आपने याद ताजा कर दी। मैं सोच रहा था शायद हमारी मुलाकात दिल्ली में या कहीं हुई है, या तो नागपुर में। सो एनीवे, लेट अस कम बैक टू द डिस्कशन, हम अभी बातें करनी है, आर्ट के बारे में बातें करेंगे। और सबको नमस्ते कर देता हूँ, विजय साहब जो भी नमस्ते कर रहे हैं, हमारा नमस्ते आप सभी को जो भी जुड़े हैं। अभी तक 300 करीब हो गए हैं हमारे दर्शक, तो हम सही जा रहे हैं। बिल्कुल प्लीज आगे का सिलसिला चालू रखें। हाँ, आपके लिए सवाल है सर, वो यूथ के लिए, मतलब हम जिस इस जनरेशन में जो 18 अपने जो टीन एजेस में है खासकर, कि सर आप शुरू से ही पेंटिंग को लेके आपका पैशन रहा है, मैंने आपके ऊपर स्टडी भी की है, आपके बारे में मैंने पढ़ा भी, आपके जो इंटरव्यूज है मैंने उसको भी स्टडी किया, मैंने देखा कि आप शुरू से पैशनेट थे आर्ट को लेके, लेकिन आप बहुत सारी और भी चीजें करते थे, लेकिन जैसे कि आप साइन बोर्ड के ऊपर आपने काम किया है, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट रहा है, आपको डांसिंग वगैरह में और भी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट रहा है, राइटिंग में इंटरेस्ट रहा है, लिटरेचर वगैरह का भी आपको इंटरेस्ट रहा है, ये आपकी आपकी जर्नी को मैंने स्टडी करके जाना। तो सर आर्ट के अलावा ये सारी चीजें जो रही हैं, और भी जो आर्ट फॉर्म के प्रति रुचि होना या लिटरेचर के प्रति या और भी चीजों के प्रति, उन चीजों ने आपको कैसे हेल्प किया? क्योंकि आज के टाइम पे लोग आर्ट को करना चाहते हैं, लेकिन वो जो बाकी समय है उसमें कुछ नया नहीं कर रहे, या बाकी बाकी समय बहुत वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कितनी मायने रखती हैं इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, और ये पहला सवाल इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बताऊं। मुझे मुझे लगता है कि जितने भी कलाकार मैं जिनसे मिला हूं, मैं कई वर्कशॉप में जाते रहता हूं, बाहर भी जाता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं मैं देखा हूं, जो भी सीरियस आर्टिस्ट को मैं मिलता हूं, ये लोग एक पैकेज में आते हैं। यानी इनके सिंगिंग, या तो सिंगिंग या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बजाना, या तो म्यूजिकल कोई भी वोकल्स हो गया या इंस्ट्रूमेंटल हो गया, वो इसमें पारंगम होते हैं। मैं अमूमन ये 90% लोगों को देखा हूँ, शायद 10% या 5% ऐसे होंगे जो कि केवल पेंटिंग ही करते हैं, ठीक है। और मेरी, मैं तो पता नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो आर्ट का एक परिभाषा है, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है, ये कहीं ना कहीं परिपूरक है, और हम ये हेल्प तो करता ही है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं
पेंटिंग कर रहा होता हूँ, तो आपको पता नहीं मेरे कान में मेरे सबसे ज्यादा कनेक्शन कलेक्शंस जो है ये जो ईयरफोन्स की एयरपोड्स और ये सब चीजें, ये तमाम मेरे पास इतने कलेक्शन से है। कभी कभी हमारी पत्नी जो है हमारे ऊपर नाराज होती है कि क्या कर रही है ये सब चीजें। मैं म्यूजिक का बड़ा पैशनेट रहा हूँ और मैं बचपन में गाना भी गाता था, डांस भी करता था, और कला के जितने भी आयाम है, आपको पता नहीं मैं मिट्टी का जो टेराकोटा का जो मूर्ति होती है ना, जो 6 फीट 5 फीट वाली, वो भी मैं कर चुका हूँ। साइन बोर्ड, जैसे कि आपने जिक्र किया साइन बोर्ड की, तो साइन बोर्ड भी मेरा एक सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम था। मैं इसीलिए नहीं करता था क्योंकि इसके खिलाफ में मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी और मेरे पापा को लगता था कि ये जो साइन बोर्ड होते हैं ना, थोड़ी सी डाउनग्रेड टाइप का होता है, तो लो क्लास, LC जिसको कहते, थोड़ा लो क्लास का होता है ये, आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक था। यानी हमारे फादर के मेडिसिन स्टोर था, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था, एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं बिलोंग करता था, तो इसीलिए उनको लगता था कि साइन बोर्ड जो चीजें हैं ये शायद रोड साइड में जो बैठते हैं वही लोग करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे वो साइन बोर्ड की जो सरफेस, जो टीनी की जो सरफेस होती है ना, उसमें मुझे वो संभावना दिखती थी, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर साइकिल स्टोर भी हो तो मैं उसमें मिथुन चक्रवर्ती या अमिताभ बच्चन को डाल देता था, ठीक है। तो कहने का मतलब, मुझे उसमें वो सरफेस में मुझे वो संभावना दिखती थी कि मैं इसमें ये कर सकता हूँ। एक साड़ी का दुकान है, ओ माय गॉड, किताब की दुकान है, मैं कितने सारे क्रिएटिव चीजें उसमें डाल सकता था, मैं उसके लिए ज्यादा, और लेटर्स को मैं किस तरह से मैं पेश कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक मेरे लिए माध्यम था। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं, किस लिए करते हैं आप? पब्लिकली करते हैं, ठीक, जो आपको चाहने वाले, जो देखने वाले, ये जो सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं तब भी डोपामाइन ही था। True. बहुत अब तो सही. हम इंस्टाग्राम की लाइक्स देखते हैं, शेयर देखते हैं, तो हमें ट्विटर में हम रिट्वीट देखते हैं, तो हमें डोपामाइन मिलता है। तब जो डोपामाइन था कि जब लोग देखते हैं तो जो फीडबैक मिलती थी, बहुत कम मिलते थे, लेकिन ऑसम लगता था जब सुनता था। तो यही चीज के लिए, यही चीज मुझे हमेशा प्रेरित करता था कि मैं जो भी है लोगों के सामने जा रहा है, मुझे फीडबैक मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैसे भी तो आप जो आर्टिस्ट है, जो सीरियस आर्टिस्ट है, उसको तो पेंटिंग करने में मजा आता ही है, और क्यों करता है हमेशा। ये जो कहते हैं ना, एक ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच में ये जो वार्तालाप होती है आर्ट के माध्यम से, ये होना बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है। जितना भी आप माध्यम है, पेंटिंग करिए, आप डांस करिए, सब मुझे लगता है एक आर्ट का एक परिभाषा है, एक डिफरेंट आयाम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं हेल्प करता है, किस तरह का डायरेक्टली हेल्प करता, नहीं करता, लेकिन मैं आई एम इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। मैं जब पेंटिंग कर रहा होता हूँ, मैं आज की तारीख में केवल गाना नहीं सुनता हूँ, बल्कि पॉडकास्ट भी सुनता हूँ। जैसे कि कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके तमाम पॉडकास्ट होते हैं, उनकी जो बातें मैं सुनता हूँ, तो मेरे कान में ये सब इंस्पिरेशन चालू रहता है, और मैं पेंटिंग करते रहता हूँ। नहीं, पता नहीं शायद आपका सवाल का सही जवाब मैं दे पाया कि आप नहीं दे पाया। सही जवाब तो दिया सर. आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जैसे बोला कि आप पॉडकास्ट सुनते हैं आप चीजों को, तो आप एक तरीके से आप हर समय लर्निंग फेज में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चीजें प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं आप, तो वो चीज बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा हेल्प करती है. ओवरऑल एक मेंटल, जैसे आपने मेंटल स्टेट की आपने बात की, तो मेंटल स्टेट भी आपका मैंने देखा है कि आप इतने ज्यादा खुश रहते हैं या कितना ज्यादा प्रोडक्टिव इसलिए भी रह पाते हैं कि आप हर समय कुछ अच्छा या कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई सर. एक चीज सर, मैंने आपकी जर्नी को समझ के एक चीज आपने देख मैंने स्टडी किया कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, और वो क्यूरियोसिटी आज के टाइम पे आज के लोगों के अंदर इतनी नहीं है जितनी आपके अंदर थी. क्योंकि आपकी एक आपका एक आपने कुछ शेयर किया था कि शुरू शुरू में जब 90s के टाइम में जब इंटरनेट आया था, तो आपने कुछ वेबसाइट्स को डिस्कवर किया, आर्ट की वेबसाइट को. आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया को भी आप इतना अच्छा समझ पाते हैं. जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो अपने स्कूल कॉलेज में लाइफ में वो भी नहीं समझ पाते इतने अच्छे तरीके से जितना आप सोशल मीडिया को आजकल समझ रहे हैं, जितना आप उसको आप उतने टेक्निकली उसको समझ पाते हैं. फोटोग्राफी भी आपकी स्किल्स बहुत सही रहती है, तो आपके अंदर ये जो क्यूरोसिटी है सर, वो कितना ज्यादा आपको लगता है कि जरूरी है अभी के लोगों के अंदर होना, और इसको किस तरीके से आप मेंटेन करके रखें इतने सालों से? जैसे आपने कहा कि क्यूरियोसिटी जो बात है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैं क्यूरियस हूँ, मेरे अंदर में ऐसा होता है ना, अगर मुझे कोई नया कलर, कोई नया मीडियम मिल गया, तो मैं वो 5-6 साल का बच्चा नहीं होता क्या, जिसे एक नया टॉय मिल गया है, एक खिलौना मिल गया है, तो वही खुशी मुझे अभी भी है, और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस चीज में फोकस्ड रहूंगा और बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा और उसी में वो जो क्वालिटी दिखाई देगी, और ये ऑटोमेटिकली मैं ये नहीं करता हूँ कि मेरी क्वालिटी अच्छा हो जाएगी, इसीलिए करता हूँ कि दिस इज द प्रोसेस, मैं एंजॉय करता हूँ चीजों को, मैं देखता हूँ। मैं आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक वाकया याद आ गया, मेरे बेटा कहीं बाहर जा रहा था मेरे ख्याल से, तो हम मुंबई में जा रहे थे, मुंबई में एयरपोर्ट में उतरने के बाद हम कार में जा रहे थे मुंबई में, मेरे बेटा मेरे जो बेटे थे वो कार की जो बैक सीट में बैठ करके वो क्या कर रहा था, मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, और मैं चाहता था कि बेटा तुम देखो, क्योंकि वो शायद पहली बार मुंबई से जा रहा था, तो मुंबई का कोई गलियारे में जा रहा था, बोले देखो बिल्डिंग कितने अच्छी है, लेकिन मैं देखा उसका इंटरेस्ट मोबाइल में ज्यादा था। मैं बोला भाई तुम क्यूरियस नहीं लगता, तुम पहली बार मुंबई आई हो, मुंबई का जो चौल देखो, पापा मैं देख चुका हूँ ना पापा, प्लीज आप देखो, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। ये हमारी जनरेशन की बात होती है, पता नहीं ये उनको इतना एक्साइट क्यों नहीं करता। मुझे चीजें देखता हूँ मैं जहां भी जाता हूँ, भले मैं कितने बार देख चुका होता हूँ, मेरे नागपुर की जो मैं जहाँ रहता हूँ गलियों में, मैं जितने बार जाता हूँ उतने बार उसमें मैं कंपोजिशन खोजता हूँ, ठीक है। मैं रास्ते में जाते रहता हूँ, कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है, मैं वहीं अटक जाता हूँ, उसे देखता हूँ, फिर नए सिरे से देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेंटली मैं इसे कैसे कंपोज कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी उसी से बनता है, जो चीज आप देखते हो जो भी है, आप आर्ट बोलो, आप लोकेशन बोलो, कोई भी, एक समुंदर हो सकता है, एक पहाड़ हो सकता है, एक फूल हो सकता है, सिंपल सी चीज, एक छोटी मोटी चीजें आपके सामने पड़ी हुई है, उसमें आप कंपोजिशन ढूंढते हो। तो ये जो आर्ट की जो क्रिएटिव जो माइंड होती है ना, वो बहुत क्यूरियस होता है, और ये होना बहुत लाजमी है, और जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट मैंने देखा हूँ ये सब क्यूरियस ही होते हैं, और यही आपको आगे लेके चला जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। तो मैं जैसे अभी के जो आपने जैसे अपने बेटे का एग्जांपल दिया कि आज पे क्यूरियोसिटी कम हो रही है, तो अभी आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे हम उसको और फ्रेश रख सकें, कि उसको हम और ज्यादा डेवलप कर सकें? एक्चुअली इसमें बात ये है कि ये उनका गलती नहीं है, क्योंकि वो इस जनरेशन के बच्चे हैं जिनको ये जो चीजें मिला है, हमें वो सब चीज नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम जिंदगी को शायद हम बेटर ढंग से हमने जिए थे जो मोबाइल इंटरनेट के जमाने से तो पहले जो पैदा हुए थे। अब इनके सामने क्या है, एक बटन में एंटरटेनमेंट के साधन इतने आ गए हैं कि ये बोर नहीं होना चाहते। मैं एक ही कहता हूं कि प्लीज सेलिब्रेट बोर्डम, ये जो बोर्डम जिसको कहते हैं ना, आप इसको सेलिब्रेट करो, आप वेलकम करो। अगर कोई चीज आपको बोर लग रहा है ना, उसी को अगर आप ज्यादा समय आप नहीं देंगे वही चीज के लिए, आप कुछ सब्सटेंशियल आप सीख नहीं पाएंगे। आप किसी से बात करना है, कोई बुजुर्ग आपके साइड में बैठे हैं, आप मोबाइल से इलावा उनसे बातें करिए, आप देखेंगे इतने सारे चीजें आपको मिलेगा। आप यही नहीं करते, हम क्या देख लेते हैं कि पेंटिंग ऐसा क्या है, आज की तारीख में कोई एक घंटा एक वाटर कलर देखने के लिए स्थिति में नहीं रहता है। इवन कहीं भी मैं वर्कशॉप में जाता हूँ या मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता हूँ, एक घंटा लगातार देखते रहना बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि क्या हुआ कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, जितने भी सब रील फॉर्मेट में देने लगे हैं, हर चीज 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, एक मिनट, दो मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा होने से हमें उबाऊ लगता है। तो यही प्रॉब्लम है, और ये है, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का देन है, और ये इसी में ही है। तो हमें सोल्यूशन यही है कि लेट अस सेलिब्रेट बोर्डम, राइट। सो आई थिंक इसी में ही हमारा सोल्यूशन इसी में ही है। वेरी ब्यूटीफुली सेड। और वो जो आपने एग्जांपल दिया ना सर, कि कोई बुजुर्ग बात कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो उनको सुनो, उनको, ये सारे पॉइंट सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि वहां से जो उनसे मिलता है वो कभी भी हम लोग ऑनलाइन जो हम एंटरटेनमेंट खोजते हैं वो उन सब चीजों से वो नहीं मिल पाता, जो सामने बैठ के उनकी बात। करेक्ट। इवन देखिए ना, जब पेंटिंग के ना, जैसे कि आपका क्रिकेट का मैच होता है, 2020 का मैच होता है ना, शुरुआत का कुछ ओवर और लास्ट का कुछ ओवर इंटरेस्टिंग होता है, और बीच के जो ओवर क्या कहते हैं, स्लग ओवर, यही कहते हैं ना, स्लग ओवर, और वही सबसे क्रिटिकल टाइम होता है पेंटिंग का। वही स्टेज जब आता है ना, लोग तब जमाई लेना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यही टाइम जो है ना, सबसे यही टाइम में आपको देखना है कि आर्टिस्ट क्या कर रहा होता है। आपको आर्टिस्ट को पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो होशियार है बस कीन ऑब्जर्वेशन करो और वही चीज को पकड़ो। जो जब जमाई लेने की टाइम आता है ना, आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा आपको, हाँ,
आप अपने आप को सजग कर लो कि हाँ यही टाइम है, हम यही टाइम को अगर थोड़ा सा दे देंगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। नॉर्मली यही जो स्टेज को अवॉइड करते हैं, पहले का 15 मिनट तक ठीक रहता है, आखिरी का 15 मिनट उनको पता रहता है कभी साइन करने वाले हैं सर, अभी क्लाप बजानी है, ठीक है, तो लेकिन बीच का पर्सन में वो नहीं देखते हैं, या तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या तो उनका कंसेंट्रेशन लेवल काम नहीं करता। तो उसी के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस की होने की बहुत आवश्यकता है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्रू सर, ये तो फैक्ट है। फर्स्ट का जो पार्ट है, आखिरी का जो पार्ट है, जब फिनिशिंग आ रही होती है या फिर शुरू में जब हम सोच रहे होते हैं क्या बनाए, तो वो पार्ट तो सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन मिडिल का पार्ट में असली खजाना छुपा है वो सर। सच मैं थोड़ा सा सर आपकी जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा एक सीरियस मोड़ पे अब आना चाहता हूँ। प्लीज। आपका पार्ट मैंने स्टडी किया कि आपके अंदर एक पॉइंट और भी रहा था, वो था सेल्फ रेस्पेक्ट। वो चीज मैंने स्टडी की आपके अंदर कि आपने एक चीज शेयर करी थी कि एक टाइम था जब आप आर्ट में प्रोफेशनली जाना चाहते थे, तो आपने आप ये चाहते थे कि आप खुद अर्न करें, आप चाहते थे कि मैं पेरेंट से पैसे नहीं लूंगा, आप चाहते थे कि मैं, आपके अंदर वो सेल्फ रेस्पेक्ट थी कि मुझे खुद से कुछ करना है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं हमें एक बार प्रेशर में डाल देती है, क्योंकि ये चीज से मैं बहुत जुड़ पाया आपसे, क्योंकि एक पॉइंट मेरा भी ऐसा टाइम था जब घर का कंडीशन बहुत खराब था और सारे घर वाले जो पेरेंट्स है उनका आशा मुझसे ही था कि तू ही कुछ अर्न करेगा। तो इस पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा जुड़ पाया कि वो प्रेशर की वजह से हम हाथ पैर मारते हैं कि कुछ तो करेंगे कुछ तो करेंगे, और उससे कुछ कुछ रास्ता निकलता है। तो अभी के टाइम पे ये चीज सर बहुत कम देखी जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लें कि चलो पेरेंट्स हैं कर ही तो रहे हैं, और कुछ अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो अपने आप लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट था सर सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात कि हमें करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना है, वो वाले पॉइंट सर कितनी जरूरी है, और वो पॉइंट आप आगे आज की जनरेशन को उस हिसाब से क्या सीख देना चाहेंगे उस पॉइंट पे? पर मुझे रेयंस मुझे यही लगता है कि आज की जो जनरेशन है काफी इवॉल्व्ड है और काफी होशियार है वो आज की तक, बल्कि ज्यादा वो चाहते हैं कि हम फादर मदर की साया से बाहर निकल जाए, क्योंकि उनको वो ऑप्शन दिख रहा है। जो आज की तरफ जो जनरेशन है वो काफी स्मार्ट है, काफी इवॉल्व्ड है। हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि इनका थोड़ा सा कंसेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन एक फ्लूइडिटी स्टेज में है, उससे उभर आएंगे और काफी स्मार्ट है। इनकी जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है, पता नहीं प्रोबेबली ये इंटरनेट का या यूट्यूब का देन है जो भी है, लेकिन काफी होशियार है। वो ये नहीं चाहते हैं कि फादर के छत्र छाए पर वो पले, वो अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जितनी जल्दी वो ये हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, 18 साल के बच्चे को मुझे देखता हूँ, उनमें हुनर देखता हूँ, क्योंकि अभी ऑप्शंस बहुत हो गए। पहले ऐसा नहीं रहा कि देखिए क्या है, हम या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है या तो ऐसा कुछ, जो तीन चार जो प्रोफेशंस थे। लेकिन आज की तारीख में मिलियंस ऑफ प्रोफेशंस आर देयर। आज की तारीख में सिर्फ इंस्टाग्राम पे आप इस्तेमाल अगर सही ढंग से करोगे तब भी आप पैसा कमा सकते हो, और बहुत अच्छी तरह से, जो चीज को आप एंजॉय करते हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आने के बाद ये बच्चे आजकल चाहते हैं, तो इसीलिए मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगा, दीज किड्स आर सुपर स्मार्ट और इस चीज को समझते हैं और ये बहुत जरूरी है। एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो है इतना, ये पहले भी था, यानी सदियों से रहा है, कि क्योंकि इंसान जो आया है ना, पैदा तो हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने कर्म जो है उसको खुद को ढूंढना होता है। ये जो भूख है, एक इंडिपेंडेंट होने की भूख है, ये पहले था अभी भी है। सब चाहते हैं अपना एक खुद का पंख हो, हर हम उड़े, ऐसा नहीं कि पापा ने जो पंख दिया उसी को सहारे गए। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई कहता है कि मैं पापा के साथ रह रहा हूँ, फादर मदर के साथ रह रहा हूँ, अडल्ट है, एवरीथिंग है, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज की तारीख में। जो स्मार्ट जनरेशन, खास करके जो मेट्रोपोलिटन सिटीज में रहते हैं, गांव छोटे छोटे शहर में ये सब चल जाता है, लेकिन बड़े शहर में आज की तारीख में वो अपना जब पंख आ जाता है वो उड़ने लगते हैं। तो आई थिंक ये स्वाभाविक है, और मेरे में था जैसे आपने कहा कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का जो ये था, क्योंकि हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम थोड़ी सी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, फादर का ये था एवरीथिंग घर में, तब भी 70-80 में हमारे घर में फ्रिज था, कार भी पापा ने खरीदा था। तो कहने का मतलब मैं तो, लेकिन मैं फिर भी मैं बोला कि मैं ही इनकम खुद करूंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूंगा, जो भी पेंटिंग मैं करूंगा वो मैं अपनी पेमेंट से, अपनी तनख्वाह से मैं खरीदूंगा। और क्योंकि तब तो एक्रेलिक नहीं था, वाटर कलर को मुझे पता ही नहीं था, पोस्टर कलर मिलते थे
और ऑयल पेंटिंग, उसके बाद ऑयल पेंटिंग कैमल की, मेरे ख्याल से ऑयल पेंट्स अवेलेबल होते थे तो उसी से हमने चालू किया था। वाटर कलर तो ज्यादा अपने पास ऑप्शन था ही नहीं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है हमें ये भी नहीं पता था। हम तो ये लगता था कि जो जो मीडियम में पानी से सोल्यूबल है वो वाटर कलर कहलाएगा, ठीक है। पोस्टर कलर में वो व्हाइट मिला के, रेड में व्हाइट में मिला के, पानी मिला के हम उसमें पिंक बनाते थे, ठीक है। एंड वी डिड नॉट नो एनी बेटर। तो यही हमारा था। तो ये चीज खरीदने के लिए मैं चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, और ये कारगर भी रहा, मैं वही किया। और एक समय ऐसा भी आया कि मैं नौकरी तो किया लेकिन उसके बाद नौकरी को छोड़ा भी। अब मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, और सर उठा के मैं पेंटिंग करता हूँ और अपनी दुनिया में मग्न रहता हूँ और दुनिया को थोड़ा। सर उठता है आपको देख के, पूरे कंट्री सर उठाती है आपको देख के सर। और थैंक यू, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट थैंक यू फॉर दैट वैलिडेशन, थैंक यू वेरी मच। सर एक एक आज एक एक वर्ड आप भी सुनते होंगे साइड हसल को लेके। जैसे आपने बोला कि आप प्रोफेशन में थे, एक आपने पहले रेलवे की जॉब भी करी, तो एक साइड हसल का जो पार्ट आता है कि हम ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अभी की एज में, जैसे कई सारे लोगों को सवाल आता है कि हम 30s में हैं या 40s में हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन हम आर्ट में जाना चाहते हैं, हम आर्ट को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो आपकी एक और चीज मैंने स्टडी करी सर, कि एक टाइम था जब आपकी जो रेलवे की जॉब थी उसमें से जितने आपको पैसे मिलते थे उतनी की पेंटिंग आपने सेल कर दी। तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला था उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरीके से ये बहुत बहुत ही कमाल का पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि बहुत ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका कोई पैशन है और आप उसको करना चाहते हो लेकिन आप किसी और काम में अटके हुए हो, तो उस पैशन को ग्रो करते करते पहले उस काम के बराबर में लाओ, उसके बाद फिर शिफ्ट करो धीरे से। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर जाते हैं या फिर प्लान नहीं करते हैं, तो वो चीज के ऊपर सर थोड़ा सा बताइए। मैं रेलवे में नौकरी किया और रेलवे में आने के बाद, जैसे कि मैंने कहा, मेरा तो मकसद, पहली बात यह है कि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी मेरे को जो फायदा मेरे को इसलिए दिया कि आई वॉज वेरी क्लियर, मुझे यही पता नहीं था कि मुझे ये मेरा प्रोफेशन होगा, इससे मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा कोई मोटिव नहीं था। मुझे पेंटिंग करना है, मुझे चित्रकार बनना है। तो यही चीज मेरे बचपन से मेरे दिमाग में था। इनफैक्ट मेरी जो व्यक्तित्व थी ऐसा था कि आज चित्रकार में किसी से बातें करता था, ठीक है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपकी आंखें कैसे हैं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ फैसिनेशन मेरे दिमाग में था कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना ही है, मुझे पेंटिंग ही करना है, ठीक है। तो आप उसको साइड हसल कहो, जो भी कहो, पर हाँ मुझे आनंद, क्योंकि जिस चीज को आप एंजॉय करते हो उसे पता नहीं चलता। कई कई बार ऐसा होता था कि मैं, मेरा ट्रैवलिंग जॉब था, मैं नाइट ड्यूटी करने के बाद घर में आने के बाद मैं सोता नहीं था, मैं आधी अधूरी पेंटिंग को फिर करता था। तो कहते हैं ना, जिस चीज को आप इतने जुनून के साथ, इतने पैशनेटली आप करते हो, तो उसमें तो कामयाबी आपको मिलना ही था। आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट, मुझे पता था आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स। मेरी वाइफ को थोड़ी सी डाउट्स थे, उन्हें लग रहा था कि पता नहीं, आप इवन मेरी वाइफ जिस तरह का भी मुझे फीडबैक मिलते थे, क्योंकि हमारे रेलवे का जो सराउंडिंग होती है ऐसा होता है ना, उनको नहीं लगता है कि कोई ऐसे आर्टिस्ट कैसे बनेगा। फिर जिस तरह का जब मैं करता था, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था। तो अरे हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा आपका खुजली है, थोड़ी पेंटिंग करोगे, फिर कुछ साल के बाद फिर अपने औकात पे आ जाओगे, बस यही करना है, यही आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन मेरे अंदर में मेरे इतनी कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था आई एम मेड फॉर बिगर थिंग एंड आई विल मेक इट हैपन। सो इस तरह का जो है ना, ये कॉन्फिडेंस मेरे में था और वही मुझे काम किया, और साइड हसल मेरा जारी रहा, और कामयाबी भी इस कदर आया कि जैसे आपने कहा कि मेरा एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो रेलवे से मुझे विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 365 दिन, 24 घंटे, 7ों दिन मुझे आज बतौर आर्टिस्ट मुझे जिंदगी गुजारनी है। तो वही मैं कर रहा हूँ, और ये भगवान का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहो, कि आप सभी का प्यार कहो, और ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी में। और वैसे मैंने सबको नहीं कहूंगा कि आप जॉब में हो तो जॉब छोड़ दो, नहीं, आप जैसे आपने कहा, आपने सही पकड़ा कि स्टेज पे पहुंच जाओ कि आप यू आर कॉन्फिडेंट। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा साथ दी, मुझे, मैं जब पता है कि हमारी जो जॉब है ना, आर्टिस्ट की जो जॉब होता है ना, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल सा है, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता।
ये महीने में आपका 4-5 पेंटिंग बिक गई, नेक्स्ट महीने में आपका 2-3 महीना तक कुछ भी पेंटिंग नहीं बिकी, ये भी है। बट आई न्यू डीप डाउन एक कॉन्फिडेंस होती है आपके अंदर में, एक इंस्टिंक्ट होती है कहीं ना कहीं आप क्लिक करोगे और अच्छी चीज होता ही है। आप स्टे पॉजिटिव, जो कहते हैं ना, ये थोड़ा सा हैकनीड लगता है, थोड़ा सा स्टीरियोटाइप लगता है, बट आप अगर पॉजिटिव रहते हो चीजें होता मिलता रहता है और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं। मैं अभी भी बीइंग एन आर्टिस्ट आई एम डूइंग साइड हसल, मैं पेंटिंग करता हूं इसलिए नहीं, आई नेवर टेक माय सेल्फ फॉर ग्रांटेड। मैं पेंटिंग करता हूं, शाम को स्केचिंग करता हूं, मैं कंपोजिशन को कैसे मैं डेवलप करूं वो सोचता रहता हूं, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट में कर सकता हूं, मैं कितना कम लोगों को बोर करूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को दोहराऊं, बस वही चीज करते रहूं, नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 5-7 साल में मेरी कितने जनर मैंने पकड़ा है, सिर्फ रेलवे से, हालांकि एक बिगनिंग एक जरूरी है, आपका जो आधारशिला एक होना चाहिए, एक कहते हैं ना एक ऐसी जनर होना चाहिए जिसको देख करके लोग समझे आपको। अभी ऐसा है, लोग कहते हैं ना कि सर आपका पेंटिंग देखते तो आपका सिग्नेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेलवे की पेंटिंग ऐसी रही कि प्रधानमंत्री तक बात चली गई, उन्होंने काफी तारीफ करी, सबसे ज्यादा पैसा भी उसी से मुझे मिला है रेलवे वाली पेंटिंग से, तो पहचान तो बन गई, ठीक है, पहचान बन गई। और बाकी इसके अलावा और भी इधर उधर की पेंटिंग थी, जैसे कि आप गणेश जी की पेंटिंग लीजिए, या तो चूल्हा वाली पेंटिंग आपने देखा होगा उड़ीसा, ठीक है, वो पेंटिंग आइकॉनिक रहा है, बट वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, मेरा जनर का नहीं था। हालांकि उसने मुझे पहचाया, बहुत सारे पहचान दी, रिकॉग्निशन दी, लेकिन रेलवे की जो सीरीज है उसको पूरी कहते हैं ना हाथों हाथ लोगों ने लिया, आर्ट वर्ल्ड में एक तहलका मचाया जिस तरह का, ठीक है। पर मैं उसमें टिका नहीं रहना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं कुछ नया करूं और ये पब्लिक को एक्सेप्ट हो, वही हो रहा है। मैं जो भी जनर करता हूँ, एक दो पेंटिंग नहीं करता हूँ, उसी सीरीज में मैं 10-15-20 एक सीरीज बना लेता हूँ। ये उड़ीसा विलेज हो, या आप वाटर कलर का कोई एक आर्किटेक्चर का ले लो, बनारस का ले लो, या तो आप मिथोलॉजिकल सीरीज ले लो, या रामायण का बनवास सीरीज ले लो, मैं पूरी सीरीज को पूरा तहस नहस अंदर तक चले जाता हूँ, एक सीरीज बना डालता हूँ, तो उसमें लोगों को कंसिस्टेंसी दिखती है कि चलो ये सिर्फ एक जनर नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये गलत बात जो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, ये बकवास है, ये कोरी बकवास है। मैं कहता हूँ कि कभी ये विश्वास मत करो कि यू कैन बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नॉन, यू कैन बी मास्टर ऑफ ऑल एज वेल। और मैं शायद अगर आप थोड़ा सा ब्रावाड़ो कह सकते हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सभी जनर में आप काम कर सकते हैं और मास्टर की तरह आप कील कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज तो सर आपके वर्क को देख के हम देखे भी हैं कि आपने अलग अलग जॉनरा में काम किया और हर जॉनरा को बहुत ही बखूबी, मतलब उस जॉनरा को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया, तो ये चीज बिल्कुल सही बात कही कि आपने, और उस चीज को आपने प्रूव भी किया एक तरीके से कि आप मास्टर ऑफ हर सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं। सो आपकी ये बात सुन के मुझे विंची, लियोनार्डो दा विंची की याद आ गई, मास्टर ऑफ एवरीथिंग का मैंने जो विंची का नाम ले लीजिए, बिल्कुल, वो तो ही वाज लेजेंड, ही वाज आइकॉनिक, ट्रू सर। उनके लेवल तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, शायद दुनिया में एक ही दा विंची पैदा होता है, दुनिया में एक ही दा विंची, मुझे नहीं लगता है उसके जैसा कोई दूसरा रिपीट होगा, बट नो पॉसिबिलिटीज देयर, पॉसिबिलिटीज देयर। हमारे होनहार जो यंग जनरेशन है इतने समझ है, इतने स्मार्ट है कि मुझे लगता है कि अभी तक पैदा हो चुके हैं, कहीं ना कहीं है, या तो पता नहीं हमारे दर्शकों में कहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज, एक मैं बहुत सारे पॉइंट से आपसे, इतने सारे पॉइंट से मैं रिलेट कर सकता हूँ। आपका जन्म उड़ीसा में हुआ, आप उड़ीसा में पले बड़े, मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मैं भी उड़ीसा से पला बड़ा। मेरे एक आर्ट टीचर थे 12th क्लास में, वो उड़ीसा में ही, उनसे मैं सीखता था। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे सुनता हूँ और जो मैं उनसे सुनता था, तो मुझे कहीं ना कहीं आपको जब मैं अभी ऑनलाइन देखता हूँ, ऑनलाइन आपके वर्क्स हम देखते हैं, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। अभी उनसे मैं मिल नहीं पाता हूँ, काफी वो बीमार रहते हैं, बहुत समय हो गया उनसे मिले, लेकिन आपको देख के मुझे उनकी बहुत याद आती है। और उनके कुछ पॉइंट्स थे, एक तो उनका था कि ड्राइंग के ऊपर काम करो, या फिर उनका जैसा, कौन है उनका नाम मैं जान सकता हूँ? मैं उनका नाम तो सर शरद कुमार पंडा। अच्छा, शरद कुमार पंडा, अच्छा ठीक है, मैंने, हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़िए, हाँ ठीक। और एक चीज वो मुझे बहुत फोर्स करते थे वाटर कलर करने के लिए, तो और जब मैं आपसे, जब हम लोनावला में आपका जो मैंने वो अटेंड किया था, तो आपके मुंह से मैंने एक लाइन सुनी थी कि
वाटर कलर हमें अपनी औकात बता देता है, ये चीज आपसे मैंने सुना था और मुझे बहुत ही ज्यादा हिट की थी वो लाइन कि वाटर कलर, और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, मुझे तो इतना ज्यादा मैं स्ट्रेस्ड फील करता था वाटर कलर करते समय। तो जब मैं आपके वर्क्स को देखता हूँ या आपके जो ये थॉट्स को मैं समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं वाटर कलर की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़ी रही है, ऐसा मुझे फील होता है। तो वाटर कलर को लेके आपके क्या थॉट रहे हैं सर, और उसको वाटर कलर ने आपको कैसे एज एन आर्टिस्ट डेवलप करने में हेल्प किया है? हाँ, पूरी तरह मैं कितना भी जनर का आर्ट क्यों ना करूं, एक कहते हैं ना कि जैसे आप पूछते हैं कि एक डायरेक्टर पूछते हैं, जैसे आपके सबसे सबसे बेस्ट मूवी क्या आपने बनाई है, तो वो कहते हैं कि नहीं सब मेरे बच्चे जैसा है, मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कह सकता। लेकिन इस मामले में काफी पार्शियल हूँ, मेरा वाटर कलर जो है ये हमेशा मेरा फर्स्ट लव रहेगा और रहा है और हमेशा रहेगा। जब से मुझे वाटर कलर को सही ढंग से मैं पहचाना, वाटर कलर तो कर लेते हैं, वाटर कलर सीखना बड़ी बात नहीं है, वाटर कलर को अच्छी तरह से पेश करना भी बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉट एनफ। वाटर कलर सिर्फ आपका अच्छा हो जाता है, आपने टेक्निक सीख गए, दैट इज नॉट एनफ। उसमें जो स्टाइल है, ठीक है, वाटर कलर देखते ही आपको पता चलना चाहिए किस बंदे का है, ठीक है, वो जो स्टाइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये स्टाइल कैसे आती है, क्योंकि आप बहुत सारे वाटर कलर करते हो, मैं इतने सारे वाटर कलर कर चुका हूँ, पता नहीं कई सारे पेंटिंग आपको तो जो दिखते हैं इंस्टाग्राम में वो बात अलग है, लेकिन शायद इससे 4-5 गुना ऐसे भी पेंटिंग्स मेरे पास कबर्ड में पड़े हैं जो मैंने आज तक शेयर नहीं किया। मैं ऐसा भी दिन आए कि एक एक दिन में मैं तीन तीन चार चार वाटर कलर पूरा फुल शीट का भी मैं किया हूँ, ठीक है, मैं बहुत वाटर कलर किया हूँ, इतने पेपर में वेस्ट किया हूँ, वेस्ट बोलो मैं तो वेस्ट नहीं कहूंगा, वेस्ट एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि जब भी आप पेंट वाटर कलर करते हैं आप कुछ ना कुछ सीखते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ी बात है वाटर कलर है कि जैसे कि कहा कि ये एक ऐसा मीडियम है कि ये आपको औकात अपनी बता देती है, क्योंकि आपकी कंसेंट्रेशन, आप जब कोई सब्जेक्ट आप कर रहे हो, एक वास देने का टाइम, आप आगे का 5 स्टेप आप सोचते हो, है ना, आप तो कर रहे हो कि अभी जो ट्री बना रहे हो उसके साथ साथ में बैकग्राउंड क्या है, जो कलर आप दियो सूखने के बाद कैसे दिखेगा, ठीक है, ये बराबर कंट्रास्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ में जो फिगर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो सही जाएगा कि नहीं, ये सब चीजें आप सोच रहे हो, यानी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो जब वाटर कलर कर रहे हो, इट्स वेरी चैलेंजिंग, और इसमें आप कभी श्योर नहीं हो पाओगे कि एंड रिजल्ट क्या है। ऑयल पेंटिंग में, एक्रिलिक में, ड्राइंग में मैं जानता हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, 100% प्रेडिक्शन उसमें काम देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आप कभी बहक जाते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, बट वाटर कलर में ऐसा नहीं होता है। आप सोचते हो कि आपका स्काई ऐसा होगा, लेकिन जब आप वास देते हो, अगर थोड़ा बहुत पिंक का परिमाण ज्यादा हो गया, आपका ब्रश में पिगमेंट्स ज्यादा हो गए ब्लू के, शायद आपकी जो कलर जिस हिसाब से आप चाहते थे, जो जो ट्रांसलूसेंट इफेक्ट शायद आपको नहीं मिला, बट इट बिकम समथिंग डिफरेंट, ठीक ट्रू है, बट वही है, यही जो ब्यूटी है ना वाटर कलर की, यही जो चैलेंज है, यही जो सरप्राइज तो देती है वाटर कलर, वो कोई दूसरा मीडियम देती नहीं। तो सरप्राइज एलिमेंट सबसे मुझे ज्यादा पसंद है, और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप आपको पता नहीं है एंड रिजल्ट क्या होगा, तो ये सबसे बेस्ट है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कभी कभी आप इतने खुश हो जाते हो अपने वाटर कलर से, ओ माय गॉड, शायद उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, कई सारे ऐसे पेंटिंग है आज की तारीख में शायद मैं कभी ना रिक्रिएट कर पाऊं, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक्रिलिक को कह सकता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ 95% में उसमें सिमिलरिटी ला लूंगा, बट जहां तक वाटर कलर की सवाल है, सेम सब्जेक्ट, हालांकि मैं तो मना करता ही हूँ क्योंकि मैं रिपीट कभी कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे और भी है कि आप वाटर कलर में एक तो नॉन मेसी है और बहुत कम लॉजिस्टिकली आप उसको पुल अप कर सकते हैं, छोटा सा स्केचबुक में आप प्लेन एयर कर सकते हैं, कंपोजिशन आपका स्ट्रांग होगा, सभी पेंटिंग एक अच्छी पेंटिंग के पीछे जो कंपोजिशन मायने रखता है, ठीक है, जितने ज्यादा आप वाटर कलर करते हैं, जितने ज्यादा वाटर कलर करते हैं उसमें आपको समझ में आती है कि कंपोजिशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, फोकस पॉइंट को आप कैसे शिफ्ट करेंगे, एक ही जगह पर फोकस पॉइंट करते हैं इसलिए लोगों का पेंटिंग बोरिंग होने लगता है। मैं कॉन्शियसली मैं एफर्ट करता हूं कि मेरी जो फोकस पॉइंट, पेंट जैसे कि मैं कैनवास हो गया, पेपर हो गया, उसका 4 पॉइंट मेरे गोल्डन पॉइंट होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4,
उसको अगर वन थर्ड तोड़ने का बाद वो जो चार पॉइंट्स होते हैं वो मेरे गोल्डन पॉइंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम ये चार पॉइंट में मेरी फोकस पॉइंट शिफ्ट होता रहे। ओके तो इसमें आपको जो है, और नॉर्मली मेरी पेंटिंग थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का होता है, किस तरफ ज्यादा एलिमेंट होता है किस तरफ कम होता है, कोई उसको कहते हैं एल शेप वाली कहते हैं, बट हाँ इसको मैं बदलते रहता हूँ। यही चीज आपको देती है वाटर कलर में। आप ये चीज को कैनवास में आप सीख नहीं सकते, वाटर कलर में ही सीख सकते हो। आपकी कंपोजिशन स्ट्रांग होगा, ड्राइंग साथ साथ वाटर कलर, ये दो आपको एक आधारशिला देती है, एक बेस देता है, एक साउंड बेस देता है, जिसे कि आप कोई भी पेंट, अब इसके बाद आप अगर चाहें कि मैं आप स्टार्ट करना चाहूंगा, रंगों के साथ खेलना चाहूंगा, फिर भी आपको फोकस, आपका कंपोजिशन बराबर काम देगा। आखिर क्या है ये जो पेंटिंग, हम रियलिस्टिक पेंटिंग जो कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हम उसमें स्ट्रोक देते हैं, आप उसको जूम करिए देखिए वो एब्स्ट्रैक्ट ही है, ठीक है, स्ट्रोक हम अप्लाई करते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली रियलिज्म लाइक फोटोग्राफर कहते हैं, ऐसा नहीं है, कई सारे एब्स्ट्रैक्शन हम इसमें अप्लाई करते हैं। आप जूम करिए कोई भी पेंटिंग में, आप देखेंगे किसमें स्ट्रोक लगी हुई है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कोई भी पेंटिंग आप एक 100 टुकड़े कर लो, इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, करेक्ट, ट्रू सर। इसीलिए वाटर कलर एक ऐसा माध्यम जिससे आप अपनी कंपोजिशन, आपकी आर्टवर्क को मच मोर एंगेजिंग कर सकते हो, और जो कि आपको कहता है ना, हाँ ये बिस्वाल का पेंटिंग है, मुझे बिस्वाल का साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मिलिंद मुलिक का साइन देखने की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रफुल्ल सावंत की साइन देखने की आवश्यकता नहीं, वासुदेव कामत सर की साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट, बिकॉज उसमें वो बात है, और यही हमें देता वाटर कलर। तो इसीलिए मैं वाटर कलर को मैं इतना पूजता हूँ। ये मेरे पीछे भी एक पेंटिंग होगा, वाटर कलर चालू है, ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दूं, कुछ लोगों का शायद रिक्वेस्ट था कि ये देखिए पेंटिंग है, एक ये एक्रिलिक है और ये वाटर कलर है। तो मेरे एक दिन में कोशिश करता हूँ मैं तीनों माध्यम के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं जुड़े रहूं, ठीक है, क्योंकि वाटर कलर ऐसा है ना, मैं अगर 5 दिन तक वाटर कलर ना करूं मुझे थोड़ा सा फिजिटी महसूस होती है, मेरी उंगलियों में खुजली होने लगती है, मुझे लगता है कि मेरी उंगली थोड़ी सी रस्टी हो गई है, तो वाटर कलर के साथ मैं जुड़े रहना चाहता हूँ हमेशा। एक्रिलिक इट्स ओके, बट जो सैटिस्फेक्शन वाटर कलर देती है कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, आपके आंसर सुन के मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। सर एक पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा आर्ट कॉलेज को लेके, मतलब आप एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो लोग आर्ट कॉलेज नहीं जा पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि एकेडमिक्स के थ्रू ही हम गुजरेंगे तभी हम फेमस हो सकते हैं या बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उस मानसिकता को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आप अगर आर्ट में क्यूरियस हैं, अगर आपको आर्ट में पैशन है, तो आप बिना कॉलेज के भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आर्ट के कॉलेज को लेके जो बहुत सारे लोग सीरियस होते हैं कि इसके बिना तो हम आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ अगर छोटा सा कुछ आप बात कहना चाहें। नहीं, अगर आप के पास ये साधन है, अगर कॉलेज आप अटेंड कर सकते हैं तो अवश्य जाइए, क्योंकि जो मिस्टेक आप मेरे जैसा क्यों बनोगे, जो कि 1000 मिस्टेक किया है उसके बाद एक सही, अगर कोई चीज आपको बता दे कि आप ऐसा ना करो, पोर्ट्रेट बना रहे हो आप, अगर इस तरह का एक बीच में लाइन खींचोगे, एक दो आड़ा लाइन अगर खींचोगे तो आपका पोर्ट्रेट सीधा हो जाएगा। मैंने आंखों को कितने बार टेढ़ा किया हूँ, क्योंकि वो जो प्रोसेस, हालांकि मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं इतने मेरे में जुनून था कि मैं कई सारे किताबें पढ़ता था, पेंटिंग बहुत देखता था, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं बहुत ये करता था। आप कर सकते हो, लेकिन ये जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स है ये आपका मिनिमाइज हो सकता है बहुत जल्दी, आपकी जो लर्निंग कर्व है। आज की तारीख में समय किसके पास है, जरा सोचिए, हमारे पास समय था, आज की तारीख में नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा समय का। कम समय में अगर सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अगर हो सके तो कॉलेज जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते, अगर आपका उम्र काफी आगे हो गया है कि अभी आप कॉलेज जाने में आपको थोड़ा सा समय नहीं है या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप घर में बैठे बैठे किताबें पढ़ के और YouTube देख के, Instagram दूसरे आर्टिस्टों के साथ बातें करके, वर्कशॉप अटेंड करके कई सारी चीजें आप गेन कर सकते हैं। तो कॉलेज में जाना केवल एक ही माध्यम नहीं रहा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट माध्यम जरूर है, क्योंकि जब तक आप आर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आर्ट की जो हिस्ट्री होती है ना ये बहुत फास्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है उसे। मैं तो कहता हूँ आप भले आप कॉलेज में जाओ ना जाओ, आर्ट हिस्ट्री की किताबें खरीदो और पढ़ो। मैं ये जो किताब है ना अपना डाविंची की जो बायोग्राफी है, उसको मैं 2 बार में पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ,
ये बहुत आवश्यकता है। स्केलेटन रखो घर में अगर हो सके तो, अगर रियलिस्टिक आर्ट में आप करना चाहते हो, फिगर्स का आपका इंटरेस्ट है, कोई भी एक फेक स्केलेटन लेके आ जाओ, उसको स्केच करो डिफरेंट एंगल से स्केच करो, आपको पता चलेगा डेप्थ क्या होता है, मास वॉल्यूम क्या होता है पता चलेगा। जब मैं फेस पेंटिंग करता हूँ, मैं फेस को स्कल्पचर की तरह मैं देखता हूँ, मैं इवन आई ट्राई टू मूव अराउंड द हेड, तो इस तरह का आपको वो फीलिंग आना चाहिए। तो इसके लिए एकेडमिक स्टडी बहुत अच्छा है, मैं एडवाइस करूंगा, बट अगर नहीं जा पा रहे तो ये आपका रास्ता को बंद नहीं कर देता, क्योंकि अब देख ही रहे। और मैं ऐसा नहीं कि मेरा जो मैं आर्ट करता हूँ ये हमेशा परफेक्ट ही है, गलतियां मैं करता हूँ मैं जानता हूँ, पर आजकल जो गलतियां होती है उतनी गहरा, इतने कहते हैं ना लाउड गलतियां नहीं होती, ठीक है, सटल मिस्टेक्स होती हैं, और आई एम कूल अबाउट इट, और मैं उसके लिए मैं ओपन भी हूँ, मैं सीखता भी रहता हूँ, और मैं जो भी गलतियां हुई मैं उसको दोबारा जाता हूँ, क्योंकि कोई पेंटिंग मुझे 24 घंटा से ज्यादा तक सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आज मैं खुश हूँ इस पेंटिंग से, 24 घंटे के बाद मैं देखूंगा फिर मुझे क्रिंज लगता है, मुझे पता नहीं, आई फील कि बहुत सारे मिस्टेक हो गए, मुझे थोड़ा बहुत बदलते रहना चाहिए। मेरे कैनवास अगर यहाँ पर पड़ा रहा साल भर तक, मैं कुछ ना कुछ आर्ट करते रहूंगा, मेरी पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए आई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट बिजी, दिस वॉल इज एन आर्ट इन प्रोग्रेस, मैं हमेशा ही कहता हूँ आई एम एन आर्टिस्ट इन प्रोग्रेस एंड ऑल माई पेंटिंग्स आर आर्ट इन प्रोग्रेस, राइट। कभी मैं बहुत ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई या मैं फुलफिल हो गया, जब मैं ये सोचने लगूंगा शायद ये मेरा अंत है, ठीक है। और हर आर्टिस्ट जैसे कहता हूँ, मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू बी ए मास्टर, इफ यू वॉन्ट टू बी ए मास्टर रिमेन ए स्टूडेंट, ट्रू, स्टूडेंट बने। बहुत सही बात है सर, बहुत सच बात है ये। और ये लाइन तो सर बहुत ही खूबसूरत तो है ही, और ये जो लाइन है अगेन, ये चीज जरूरी भी है क्योंकि इससे बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। जब हम किसी काम से सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, तो मज़ा भी एक तरीके से, उसमें मज़ा भी आता है कि चलो और थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करें क्या, कुछ नया करें क्या, तो उसमें एक मज़ा भी बना रहता है। तो सर ये बहुत खूबसूरत चीज़ आपने बताई, और इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इम्प्लीमेंट करें। एक सर आपकी स्टोरी रही थी जो बहुत ज़्यादा सुनने में आई थी, जो आपकी पेंटिंग आपने लगाई थी मोदी जी की, जिसको आपने एक प्राइस कोट किया था, लेकिन वो कई ज्यादा, कई लाखों में सेल हुई, जो जितना आपने प्राइस बोला था उससे कई गुना ज्यादा में वो सेल हुई थी। उसकी स्टोरी क्या रही थी सर? मैं सोचा, पता नहीं था कि मैं नहीं कब नहीं नहीं आपने आपने जो सुना शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है। ये ऐसा है कि मन की बात जो मोदी ने मुझे जिक्र किया था, मैं वो डेट कभी नहीं भूलता, जुलाई 26 जुलाई 2015, 2015 26 जुलाई, मन की बात का पता नहीं शायद अर्ली सेशन था, तब मन की बात काफी काफी बहुत पॉपुलर ज्यादा, था, हाँ पॉपुलर था। हाँ, तो देश भर में सर चढ़कर बोल रहा था, तब उन्होंने मेरा जिक्र किया था, शायद 1 मिनट तक प्रधानमंत्री ने हमारी तारीफ की थी, और आखिरी का उनके शब्द थे कि मुझे तो एक कर्मयोगी के हिसाब से उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर विजय बिस्वाल चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को अपना आराध्य माना, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में विजय विश्वाल की पेंटिंग की चर्चा देश भर में हो, बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी, तो उन्होंने तो तारीफ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने हमारी इतनी, कहते हैं ना मेरा ऑस्कार मोमेंट था, तो उसके बाद मुझे लगा कि उनके लिए एक पेंटिंग तो बनता है, तो मैंने वो पेंटिंग की थी जिसमें आपने देखा होगा वेट प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है, लोग आ जा रहे हैं, एक आम आदमी की तरह छाता लेके मोदी जी जा रहे हैं, नो वन इज टेकिंग नोट ऑफ हिम, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, इज लाइक कॉमन मैन। मुझे इसके पीछे यही साइकोलॉजी था कि प्रधानमंत्री तो है लेकिन वो फिर भी ग्रास रूट लेवल में एक कॉमन रेलवे एम्प्लॉय का बात भी समझते हैं, उनको देखते हैं उसकी क्या हुनर है वो भी जज करते हैं, 100 करोड़, 150-200 करोड़ लोग हैं उसके बीच में, जो हुनर को वो देख पाए, जो भी है उनकी कहते हैं ना उनकी रिसर्च टीम जो होती है उन्होंने वो दिया जो भी है, तो इस कारण मुझे उनके लिए मेरा सम्मान इतना बढ़ गया, तो मुझे लगा उनको एक आम आदमी के हिसाब से दूं, जिनको कि मैं भी जानता हूँ वो भी मुझे जानते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से पेश किया था, और वो
मुझे तो, मैं तो पेंटिंग बना दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप पेंटिंग बना दिए, गिफ्ट बना दिए और प्रधानमंत्री को दे दिए, इतना आसान नहीं है। 200 करोड़ लोगों का है, वो जननायक है, आप उनके पास कैसे पहुंचोगे, संभव नहीं था। लेकिन कहते ना, अगर आपकी एम्बिशन, आपकी अगर कहते ना पॉजिटिव माइंड रहता है, हर चीज कहते ना थिंग्स फॉल इन प्लेस। ऐसा हुआ कि रेलवे ने हमारा एक एग्जीबिशन रखा था सूरज कुंड दिल्ली में, रेल विकास शिविर, तो उन्होंने मुझे एक कहते ना क्या कहते हैं उसको, एक एक पैविलियन मुझे दिया था, काफी बड़ी पैविलियन था, सब सब एवरीथिंग बढ़िया था। मैंने पेंटिंग रखा था, वही पेंटिंग वहीं से मैंने उनको गिफ्ट दिया था। तो जब देखे थे मोदी जी ने, मैंने उनको, तो बाकी पेंटिंग देखने के बाद, जब सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री, उन्होंने कहा सर देखिए आपकी पेंटिंग, तो प्रधानमंत्री कहते सर ये तो, प्रधानमंत्री कहते अरे विजय जी का पेंटिंग तो मैंने कि पहले इंटरनेट में देख चुका, ये काफी धूम मचाया है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था ये बात सुन करके, और बोले कि सर ये आपके लिए। तो तब मैंने वो पेंटिंग उनको गिफ्ट दिया था, ये एक गिफ्ट था, इसमें कोई प्राइस कोट नहीं था। आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट देते हो, बहुत बड़े सम्मान की बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर प्रधानमंत्री है वो, ये सब इतने सारे पेंटिंग, इतने सारे गिफ्ट, कहाँ कहाँ से सोने जेवरात सब तो लोग देने चाहते, कोई साल कितने सारे चीजें हैं। तो क्या करते, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए जो भी उनको गिफ्ट मिला था, जो अच्छे अच्छे गिफ्ट है, उसका एक ऑक्शन रखे थे 2017 में। ये 2017 में एनजीए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और जिसमें कि मेरे ख्याल से अद्वैत गढ़नायक जी थे उस समय का उनका ये, तो उन्होंने उनकी क्यूरेशन में ये एक ऑक्शन हुआ था, और जिसमें कि मेरी पेंटिंग सबसे महंगी रेट में बिकी थी। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ मुझे पता चला सबसे ज्यादा महंगे, और ये काफी न्यूज में भी आया था ये बात। तो हाँ ऐसा रहा है स्टोरी। तो इसमें कोई प्राइस मैंने कोट नहीं किया था, ये गिफ्ट आइटम था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे एक ऑक्शन में रखा, और जो भी खरीदा वो सबसे अच्छा ये देके वो पेंटिंग को खरीदा था। ब्यूटीफुल सर, मुझे ऐसा मुझे कभी सोचा नहीं था कि ये स्टोरी मैं आपसे कभी लाइव पूछूंगा। मैंने भी न्यूज में ये चीज देखी थी और मुझे पर्सनली इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग फील हुआ था कि आपका आर्टवर्क को मैं इतने टाइम से देखता आ रहा था, और जब ये न्यूज पे ये हेडलाइन आया कि विजय विश्वाल जी की ये आर्टवर्क इस तरीके से ऑक्शन में लगी, तो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग फील हुआ। और आज आपसे ये लाइव पूछ के मुझे और भी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सर एक चीज मैं आपके से थोड़ा सा डिफरेंट पूछूंगा अभी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर आपकी लव स्टोरी के बारे में, कि आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया है कि कैसे आप ज्यादा क्रिएटिव रहे हैं, ज्यादा चीजें आप क्रिएटिव पार्ट में खोजते हैं, लेकिन आपकी जो पत्नी जी हैं वो जो टेक्निकल चीजें हैं या घर के जो फाइनेंशियल पार्ट है उन चीजों को संभालती है। तो अब जैसे आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे आगे चल के शादी करेंगी, या धीरे धीरे वो भी इस तरीके से वो अपने लाइफ पार्टनर को खोजते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि आर्टिस्ट की लाइफ में या ऐसे क्रिएटिव फील्ड की लाइफ में एक अच्छे पार्टनर का होना या एक अच्छे ऐसे पर्सन का होना जो आपको सपोर्ट कर सके, ये सब कितना जरूरी है, और आपकी लाइफ में आपकी वाइफ का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है सर? हाँ बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये इतना इतनी ज्यादा है कि मैं इसकी मैं कह नहीं सकता, शब्दों में नहीं कह सकता। एक आपका पार्टनर होना, एक सपोर्टिव पार्टनर होना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत आवश्यकता है। और जो भी आर्टिस्ट मुझे सुन रहे हैं, प्लीज कभी भी एक आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्ट पार्टनर ढूंढना मत, मैं आपको बता दे रहा हूं। नहीं ये तो मजाक था। होता क्या है कि कभी ये मत सोचो कि ऐसा पार्टनर मत ढूंढो जो कि आर्ट को पसंद करता हो। मेरी वाइफ इसके विपरीत है, उनको आर्ट का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बट ये इतना हमें कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि अगर दोनों अगर आर्टिस्टिक होते ना तो शायद इनका जो केवल राइट ब्रेन ही डेवलप होता। मेरी वाइफ की जो लेफ्ट ब्रेन है काफी सक्रिय है, डेवलप्ड है, और मेरा राइट ब्रेन, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन वहाँ बहुत जरूरी है। सी सॉर्टेड, मेरे से बहुत स्मार्ट है, मैं क्रिएटिव हूँ, थोड़ा बहक जाता हूँ, ठीक है, वो बहकती नहीं है। नंबर्स में वो अच्छी है, मैं कच्चा हूँ, मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और उन्हें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, नंबर से उनका बहुत ज्यादा लगाव है, काफी एनालिटिकल ब्रेन है। तो ये क्या है, कहता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, इन एंड यंग का कॉम्बिनेशन हुआ, जिसकी वजह से वो मेरी फाइनेंशियल साइड थोड़ा सा हैंडल कर लेती हैं। ना केवल दैट, शी इज ए गुड गुड मदर, शी इज ए वंडरफुल वाइफ, शी इज ए एक्सलेंट मदर, एक्सलेंट डॉटर। मेरी फैमिली के साथ साथ उनकी, मेरी इन लॉज की फैमिली के साथ
वो हमेशा जो जो तार है जुड़ने का काम यही करती हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ एक एग्नी आंट है, जो कि हमारी परिवार की जो भी है, मेरे इवन भाई लोग है, मेरे बहू लोग है, मेरी मदर फादर की तरफ से जो भी है, वो भी मेरी वाइफ से ही बातें करते हैं। वो पूरा उन्हीं के साथ पूरा जो ताना वाना पूरा जोड़ के वही रखती हैं, और ताकि मैं पूरा समय स्टूडियो में दे सकूं। तो डेफिनेटली बहुत आवश्यकता है, एक अच्छा पार्टनर होना, एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत आवश्यकता होता है। लेकिन होता क्या है, जब दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हैं, आइदर ये डॉक्टर्स हो या एडवोकेट्स हो, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जैसे सोचते हैं कि ये शायद अच्छा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा पार्टनर ढूंढिए कि हो सकता है आपका टेम्परामेंट अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करें। आप प्यार करते हैं ये काफी है, आप मत देखो कि वो किस प्रोफेशन में है। अगर आपका दोनों का अंडरस्टैंडिंग सही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशन देके किसी को भी लाइफ पार्टनर हम चूज करते हैं, ये तो दिल की बात है। और हमारी जो लव स्टोरी रही, ऐसा है कि हम तो अरेंज मैरिज से ही शादी हुई है हमारी, उस जमाने की बात में कर रहा हूँ, 1991 की, तब तो आप लोग कोई तो पैदा ही नहीं हुए थे, है नहीं ना। सर, हाँ, तो तब की बात में कर रहा हूँ, 91 में हमारी शादी हुई थी, वो अरेंज मैरिज ही था, और लकीली वी आर बोथ हैप्पी। सो मच, बहुत सुंदर लगा सर आपकी आपकी ये आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपकी जब वाइफ आपके ये आंसर को सुनेंगी तो आपका जो रिलेशन है मैं फील कर सकता हूँ और ज्यादा खूबसूरत हो जाए और ज्यादा गहरा हो जाए। सो आई एम सो मच हैप्पी आपकी ये बात सुन के। सर एक पॉइंट मैं अब बात करना चाहूंगा एक और पॉइंट के ऊपर जो कि आपकी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया है। हमने जैसे शुरू में साइन बोर्ड की बात की, आपके आर्ट के स्टाइल को डेवलपमेंट की बात की, आपने डिफरेंट जॉनरा के ऊपर काम किया, उसमें एक चीज निकल के आती क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आप में शुरू से रही थी कि हर जगह पे आपने कोशिश की कि मैं कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकूं या कुछ नया कर सकूं। ये नयापन करने की चाहत कितनी जरूरी है, सिर्फ आर्ट में नहीं हर चीज में कितना जरूरी है। और अभी के समय में अगर क्रिएटिविटी को हमें और ज्यादा बढ़ाना है या फिर हमें अगर कॉन्शियसली सोचना है कि हम क्रिएटिव और हो सके, तो आपका उसमें क्या ख्याल है सर? देखिए, क्रिएटिविटी सब में है। आपको पता है, हमारे घर में मेरी बेटी मुझ पर डिपेंड करती है कि कौन सा फ्रॉक वो खरीदेगी, वो मुझे लेके जाती है। पता है आपको, ये तो मेरा बहुत ही बेटा जब मेरा बेटा शर्ट खरीदेगा तो मुझे पूछेगा, पापा ये कैसा है। तो कहते ओके। मैं देखता हूँ कि घर में जो सजावट होती है, अभी दिवाली है, ठीक है, आज धनतेरस है, दिवाली के लिए डेकोरेशन मैं ही करूंगा, ठीक है। मेरी रंगोली, आपको पता नहीं, मैं 10 साल पहले जो रंगोली करता था, अभी भी चर्चा के विषय है, लोग अभी मुझे मुझे जानते हैं आज अच्छे गुड रंगोली आर्टिस्ट। मैं ये सब चीजें जो है ना, हर चीज में ब्यूटी देखना एक आदत सी बन जाती है, ये कॉन्शियसली आप कोशिश नहीं करते हो। अगर कोई कोई चीज रखा हुआ है, मान लीजिए जैसे कि मैं आपके सामने, मेरे टैब है, चीजें हैं, अगर थोड़ा अव्यवस्थित है ना, मैं उसे सेटिंग कर लेता हूँ, मुझे ओसीडी होता है, ये सही ढंग से नहीं है, अगर समय है तो मैं उसे सेट कर देता हूँ, हाँ ये अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है। तो क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि ये आप जल्दी फोर्स करते हो या आप कॉन्शियसली सोचते हो, ये आपका हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा पेंटिंग कर रहे होते हैं, आपकी कंपोजिशन इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, कोई एलिमेंट अगर ठीक नहीं बैठता है, आपको दिख जाता है कि ये साड़ी के बॉर्डर इसके साथ नहीं जा रहा है। फील नहीं आता। मैडम, आपने जो साड़ी पहनी है, साड़ी तो सही है, लेकिन जो आपने ब्लाउज पहना, ये कलर्स में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको पता है, मुझे किसने नहीं बोला कि रेड के साथ ग्रीन जाता है, हमको पता है ऑरेंज के साथ पर्पल अच्छा जाता है, लेकिन हमारी मैडम लोगों को पता नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हम पेंटिंग कर चुके होते, हम जानते हैं अगर पर्पल स्काई है तो ब्लू कलर की जो शेडो है बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये जो क्रिएटिविटी है, ये अनायास आता है, ये इसके लिए आपको एफर्ट देना नहीं पड़ता है। और हर चीज में मैं देखता हूँ, इवन मैं लैंडस्केप में देखता हूँ, एक फोटोग्राफर जो होता है, जो जाता है रैंडमली कोई भी शॉट नहीं लेता, उसको पता है किस चीज को डाउन प्ले करना है, किसी को थोड़ा खुल करके दिखाना है, ठीक है। सो इट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, आई थिंक। सर ये चीज आपने सही कही कि ये आपका एक पर्सनालिटी का हिस्सा रहा है क्रिएटिविटी। बट अगर किसी को, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम और क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, मतलब कि जैसे एक टेक्निक्स तो हमें हेल्प कर देती है थोड़ी बहुत, कि हाँ, हेल्प कर दिया टेक्निक्स ने कि चलो कॉम्पोजिशन का ये रूल है, उसने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया। लेकिन ये जो चीज आपने बोली ना कि मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं रस्ते में रुक के देखता हूं, मैं रस्ते में सामने चीजें पड़ी उसको ठीक करता हूं, ये छोटी छोटी पॉइंट अगर लोग इसको करें तो क्या उससे क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है?
मतलब आपका क्या राय है कि कोई हाँ राइट राइट हाँ। और दूसरी बात है कि हम जब कहते हैं कि मैं सोच करके स्केच करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पेंसिल को खींचना होता है पेपर पे या तो कैनवास पे, लाइन खींचो, अपने आप आपको फॉर्म्स क्रिएट होना चालू हो जाता है। ठीक है, आप सिर्फ सोचने से, आप सिर्फ थिंकिंग क्या आप लगा लिए, फिर आप बोलोगे कि मेरे को थॉट्स आएंगे और मैं ऐसे बनाऊंगा। नो, जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग। जैसे कि कोई ऑथर होता है, कोई कवि होते हैं, वो लिखने से पहले ना पेन को डालते हैं, कुछ ना कुछ शब्द को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले का 2-3 लाइन थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन उसके बाद दे आर अनस्टॉपेबल। यू नो, लाइंस आते रहते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता। इसके बाद एक के बाद एक शब्द आते रहते हैं एक अथर को। ठीक है, तो देखते ही देखते उनका 500 पेज का एक हो जाता है, एक तैयार हो जाता है किताब। ठीक है, तो इसी तरह का जो पहले का जो टाइम होता है ना, जैसे कि शुरुआत में आपको स्केच कर रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो रैंडम स्केच करते रहो, कुछ भी, एनीथिंग। तो इसीलिए आपका स्केचिंग करने की जो है ना, ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूँ, अगर रेलवे स्टेशन में भी मैं अपना ट्रेन का इंतजार कर रहा होता हूँ, या तो मैं एयरपोर्ट में अगर मेरा फ्लाइट का मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं स्केच कर रहा होता हूँ। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, और ऑब्जर्व करते करते आपको कुछ फॉर्म मिल जाते हैं, उससे फिर आप बड़े पेंटिंग भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे जितनी भी ड्राइंग है, जो स्केचेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर उसमें एक बड़े पेंटिंग होने का संभावना रहता है। और मैं कभी कभी उसको ट्रांसफर भी किया हूँ। मेरे शिव पार्वती की जो बड़ी साइज की जो पेंटिंग है, उसकी जो जन्म है इसी स्केच से ही हुई है। ठीक है, तो स्केचिंग करते रहो, आपको पता नहीं ये स्केच से आपको कितनी बड़ी आइडिया मिल जाएंगे। तो स्टार्ट समथिंग, डू समथिंग, कीप स्केचिंग, कीप ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो बैकबोन है, बहुत सारे ड्राइंग करते रहो, आप देखना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। ब्यूटीफुल सर सर और अच्छे, और दूसरी बात है, अच्छे लोगों से बातें करते रहो, पॉडकास्ट बहुत सारे सुनो, किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो, मूवीज देखो और सुनो। देखने से ज्यादा आप सुना करो। कई सारे आपको पॉडकास्ट है दुनिया में, आप प्लीज सुना करो, आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इतनी सारी आपको इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिलेगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, तो मुझे लगता है कि आप अगर क्रिएटिविटी बनना चाहते हो, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कोई आपको एलेक्सर पिला देगा तो आप क्रिएटिव बन जाएंगे, ऐसा नहीं। स्लो प्रोसेस बट श्योर प्रोसेस, करते रहना चाहते। ठीक है, ब्यूटी सर, एक ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था आपके लिए, बस एक आखिरी राउंड है यहाँ पे, छोटा सा 5 मिनट, मैं हाँ। सवाल पूछूंगा, आपको फटाफट से उसका आंसर देना है। अरे बाप रे, ये मुझे किस तरह का चलो ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा, चलो। 4 या 5 सवाल है बस। हाँ उड़ीसा या नागपुर? हाँ उड़ीसा या नागपुर? उड़ीसा। ओके, आपकी जो रसोई वाली पेंटिंग थी वो, या मन की बात पे आपका मोदी जी का जो जिक्र था वो? उड़ीसा रसोई। ओके, एक चीज जो आप अगर आप चेंज करना चाहें, अगर आप अपने पास्ट में जा सकते और कोई चीज आप चेंज करना चाहें, तो क्या चीज आप चेंज करना चाहेंगे, अगर कोई भी चीज? पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ चेंज करूं। मुझे लगता कि मेरी जिंदगी बड़ी बड़ी सही ढंग से गया है। आई डू नॉट एनीथिंग टू चेंज अबाउट इट। आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट द वे द लाइफ हैज सेट अप फॉर मी। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई गिला सिखवा है जिंदगी से, बल्कि मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में मैं चाहूंगा इस तरह ही जाए। तो नो नो गिला सिखवा, एब्सोल्युटली नॉट। ओके सर, सर आपके पास अगर दो पावर होते हैं, एबिलिटी टू फ्लाई वर्सेस एबिलिटी टू डिसअपियर, अगर आप गायब हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, या फिर आप उड़ सकते हैं, तो क्या आप सिलेक्ट करना चाहेंगे? अदृश्य होना चाहूंगा। ओके, कॉलेज लाइफ, बिस्वाल ऑफ कॉलेज लाइफ, या बिस्वाल ऑफ जॉब लाइफ? ऑफ कोर्स कॉलेज लाइफ, एनी टाइम, एनी टाइम कॉलेज टाइम। बाप रे, जब आप शादी करने रहे होते, आपकी इतने सारे, आपके कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आप कहते हैं ना मुक्त आकाश के विहंग हो, कहते हैं ना ये खुले आसमान का चिड़िया है। तो डेफिनेटली स्कूल और कॉलेज, कॉलेज से ज्यादा स्कूल। ओके, सर एक कोई ऐसी बिगेस्ट ड्रीम आपका बचपन का रहा, जो आपको लगता है फुलफिल हो चुका, बिगेस्ट ड्रीम बचपन का कोई ड्रीम था जो आपका फुलफिल हो गया है? हो रहा है ना, ओके, हो तो आर्ट, रहा है, हो आर्ट के अलावा, रहा है। आर्ट नहीं, मैं और कुछ नहीं सोच सकता। जैसे जैसे मुझे लगता है कि आर्ट ही मेरा सपना था, ये शुरू में ही रहा है। मैं थोड़ा सा वन ट्रैक माइंड इस मामले में, कि ओके यही मेरा अल्टीमेट है, यही मेरा नमन है, यही मेरा लक्ष्य है।
और जिंदगी का यही लेके मैं चल रहा हूँ, और इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरी निर्वाण है, इसी में एक्स्टासी है। तो इसके सिवा मैं एक दूसरा को सोच ही नहीं सकता। सर एक चीज और आपका ये कि अगर आपको आज पूछा जाए कि 0 to 10 के अंदर आप अपने खुशी को इंडिकेट करें तो 0 to 10 कितना आप इंडिकेट करना चाहेंगे? ये फ्लुक्चुएट करता है 8 से 10 के बीच में। आपके लिए एक चीज को आप सिलेक्ट करना है कि आपकी सारी पेंटिंग जितनी भी पेंटिंग है सब सेल हो जाए या फिर आप हिस्ट्री के एक बहुत सुनहरे पार्ट बन जाए जैसे ओल्ड मास्टर्स को हम याद करते हैं, तो दोनों हाँ। क्या चीज बनना सिलेक्ट करना चाहेंगे? बोथ बोथ, बट हाँ डेफिनेटली एक इतिहास में, एक ऐतिहासिक एक इमेज के हिसाब से बनना, आर्टिस्ट के हिसाब से बनना, एक नाम कमा के जाना, कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाना, इंस्पिरेशन बन के जाना, शायद ही मेरे ज्यादा है। क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। मैं कभी कभी भी आज की तारीख में मैं कभी पेंटिंग पैसा के लिए कभी पेंटिंग नहीं किया, कभी नहीं किया, नेवर। हाँ आप पेंटिंग आता है, कभी कभी कमीशन वर्क आता है, आपको पता है ये पेंटिंग किसी के पास जाएगा, लेकिन जब मैं पेंटिंग में कर रहा होता हूँ, इट्स मी एंड बिटवीन पेंटिंग, और कुछ नहीं है। उसके सामने क्लाइंट नहीं रहता है, उसके सामने कितना पैसा है उसमें नहीं रहता, मुझे सिर्फ कैनवास दिखता है। कैनवास में कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, कैसे बेहतर कर सकता हूँ, पहले से कैसे बेहतर कर सकता हूँ, बस वही सोच मेरे दिमाग में रहता है। तो डेफिनेटली मोनी हैज नेवर बीन द फैक्टर फॉर मी, ब्यूटीफुल। नो। अच्छा वन लास्ट एडवाइस, जितने भी आर्ट लवर्स हैं जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, ये आपकी आखिरी एक एक एडवाइस जो आप सभी के लिए देना चाहें। ऐसा है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप अपनी पैशन फॉलो करो, ठीक है। आपको कुछ बनना है ये सोच के पेंटिंग मत करो, ठीक है। आपको आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, विदाउट एनी जजमेंट आप इसी को करते रहो, ठीक है। और ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, फोर्स मत करो। अगर आपको इच्छा है आपको गाना गाने की, आप गाना गाओ। इच्छा है आपको डांस करने की, डांस करो। लेकिन अगर दिल में कहता है कि आपको आर्टिस्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंस्टिंक्ट आएगा कि आपको पेंटिंग में सबसे ज्यादा आनंद आता है, ठीक है। मेरे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर रहे हैं, कुछ तो जब प्रोफेशन छोड़ करके आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। और उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। और आज की तारीख में आज ये बड़ी दुनिया है, और आप अपने हुनर को दिखा भी सकते हैं। इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर है, फेसबुक है। तो ये चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूंगा, कि जो दिखता है वो बिकता है। बिकने का मतलब केवल कमर्शियल एंगल से ना दिखे, तो ट्रू। आपकी पसंद भी, नाम होना चाहते हैं, ठीक है। नाम होने से कोई भी आपका पेंटिंग खरीदता है, ऐसा कोई नहीं खरीदेगा। आप कितने भी अच्छा पेंटिंग कर लो ना, आज की तारीख में लोग बैठे हैं, क्लाइंट पहले गूगल में सर्च करेंगे श्रेयांश राहुल कितने पानी में है, ये ठीक है, बिल्कुल ये बहुत देखते हैं। हाँ खरीदने से पहले वही देखते हैं। ट्रू। इसीलिए ये जो चीज है, ये जो नाम आएगा, नाम की लिए काम मत करो। काम इतने अच्छा कर लो कि नाम आपके पीछे भागेगा और पैसा भी भागेगा। किसी ने मुझे कहा था, आपको याद है, आप पता नहीं, मैंने कई इंटरव्यू पे बोला था कि जब मैं नया नया मेरी आर्ट की जो लाइफ जो शुरुआत हो रही थी, तब कहा था कि आप अगर पैसे के पीछे भागोगे तो वो आपको कभी आर्टिस्ट आप कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। आप अपनी सरस्वती के पीछे अगर भागोगे, आपकी लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। वेरी ये ट्रू, देख रहे हैं, वो मेरे साथ हो रहा है। आप बिल्कुल सरस्वती माँ की आप इतने पूजा करो कि लक्ष्मी मजबूर हो जाएगी साथ में आने को। ये बात तो ब्यूटी। है। थैंक यू सो मच सर, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन हम एंड करते हैं, एंड आपकी सारी बातें आपकी सारे जो विचार हैं मैं अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मैं बहुत कुछ आज आपसे सीख के जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं अपनी लाइफ में। जितने लोग आज जुड़े थे आप सबको भी थैंक यू सो मच इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर अरे अरे क्या बताऊं, मैं मेरा मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं आपकी सभी दर्शकों को, सभी जो भी जुड़े हैं, सभी फैंस को मेरा दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पेंटिंग करते रहिए, दिल से पेंटिंग करते रहिए। और एक बार ये धनतेरस के दिन, ये दिवाली के दिन आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं, और हम जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। और कीप पेंटिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।